हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए मारुति सुजुकी इको का एक्चुअल लुक, हाउ द कार लुक्स इन रियलिटी। दोस्तों, जैसे कि हमेशा हम लोग शुरू करते हैं, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं, फ्रंट लुक देख रहे हैं। तो नीचे आप अगर देखते हैं तो नॉर्मल आपको जो ब्लैक बम्पर्स हैं इसके मिल जाते हैं, बॉडी कलर पर नहीं मिलते हैं। जो ग्रिल है वो भी नॉर्मल है, बीच में सुजुकी का लोगो हो गया, कहीं भी आगे कोई आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती है। नीचे इसमें आपको फॉग लैंप्स भी नहीं मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसके जो शेप कटे हुए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो अलग से अगर आप लगवाना चाहते हो फॉग लैंप्स। हेड लैंप्स इसके देख लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल हेड लैंप्स आपके हैं, तो थोड़े से ब्रॉड हेड लैंप्स हैं तो आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। यहाँ पे आप देखते हैं आपके इंडिकेटर हो गए, और ये आपका नॉर्मल जो हेड लैम्प का पूरा जो आउटले है काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और जिस रेंज की गाड़ी उस हिसाब से आपको ठीक ठाक इसमें जो रोड की विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। एक मैं आपको ओवरऑल लुक दे देता हूँ पूरी गाड़ी का, तो एज अ होल आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पूरी गाड़ी कैसी लगती है। इसमें आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं दोस्तों, जो नई इको है इसमें बोल सकते हैं आपको इसमें अच्छा खासा ग्राफिक वर्क मिल जाता है। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने की और इसका लुक एनहांस करने की कोशिश की है कंपनी ने अपनी तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी साइड भी आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके जो ORVM है वो भी आपको नॉर्मल ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, कोई भी ऐसा आपको एक्स्ट्रा इसमें ग्राफिक वर्क या आपको इसमें बोल सकते हैं इंडिकेटर्स इनबिल्ट नहीं मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं तो इसके नॉर्मल व्हील्स हो गए, इसमें कहीं भी कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जनरली मेरे हिसाब से ये गाड़ी तो फैमिली पर्पज़ के लिए कम ही यूज़ होगी, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि वैंस में यूज़ हो जाती है, हॉस्पिटल्स में छोटी इसको आप एम्बुलेंस बना सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल ओनर हैं, तो इसलिए लगभग ये गाड़ियाँ यूज़ होती हैं ज़्यादातर जो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्राफिक्स जैसे आपको उस साइड थे वैसे ही ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं इधर की तरफ। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं इसके बैक साइड, पीछे से आप इको का लुक देख रहे हैं, तो कहीं भी कोई आपको इसमें जो ब्रांडिंग है वो क्रोम पे नहीं मिलती जैसे कि और हाई एंड गाड़ियों में होती है। नॉर्मल गाड़ी उसी हिसाब से आपको पूरा इसका एक्सटीरियर मिल जाता है। ये आपकी जो बैकलाइट क्लस्टर हो गया पूरा हो गया, जैसे कि आपका ब्रेक हो गया, इंडिकेटर हो गया, बैक गियर लाइट हो गया, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट एरिया हो गया, ऊपर जो आपका जो ग्रैब करने के लिए दिया गया है टेलगेट खोलने के लिए वो आपको पूरा ब्लैक फिनिश पे मिल जाता है। बीच में आप देख रहे हैं सुजुकी का लोगो हो गया आपको, इसको कंपनी को तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को तो फोकस करेंगे ही, तो यहाँ पे आपको ये क्रोम पे मिल जाता है। तो दोस्तों अब और दूसरी चीज़ें बात करने के पहले मैं आपको इसका जो टेल गेट है वो खोल के इसकी जो पूछे ब्यूट स्पेस है वो दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कितनी यूज़बल गाड़ी है आपके लिए। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, होम पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी फैमिली है तो आपके लिए गाड़ी बहुत ही वेलकम गाड़ी है, आपको अच्छा लगेगा इसमें बैठ के, और इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पीछे की लगा दी है और अब इसको हम खोल लेंगे यहाँ से, और ये आप देख रहे हैं मैंने ये आपको इसमें की लगा के पूरा खोलना पड़ेगा जो इसका पीछे का टेल गेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबंडेंस स्पेस आपको मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है आपको। जैसे कि जानते हैं पीछे इसमें सीटिंग नहीं है, नॉर्मल आपको यहाँ पे अपना जो सामान वगैरह आप रख सकते हैं आप अगर लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी काफ़ी यूज़ होती है गाड़ी, तो लगभग उसी हिसाब से भी आपको डिज़ाइन मिल जाती है इसमें। आप पीछे आपका अगर आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं तो अपना बैग वगैरह बड़े बैग्स हो गए आराम से आपके इसमें आ जाएंगे। सीटिंग आप देख रहे हैं इसमें तो आपके दो आगे, तीन लोग, चार लोग पीछे बैठ सकते हैं आराम से, तो सीटिंग भी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए इसमें रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर, और अंदर से आपसे मैं बात करता हूँ डिटेल में कि इसमें अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब मैं मारुति सुजुकी इको के अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ, इसका इंटीरियर दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आप ओवरऑल देख सकते हैं जो आपको फील आ रहा होगा एक बहुत ही नॉर्मल इंटीरियर है, ऐसा कोई आपको हाई एंड फीलिंग नहीं आएगी। जिस रेंज की गाड़ी है उसी हिसाब से आपको इंटीरियर भी मिलता है। अगर प्लास्टिक्स की बात करें तो वो भी क्वालिटी ठीक ही है, जिस जैसे कि मैंने बताया मारुति वैसे भी जिस प्राइस रेंज में गाड़ी लॉन्च करती है उसमें उसको सबसे बेटर क्वालिटी देने की पूरी पूरी कोशिश रहती है मारुति की तरफ से। अगर आप हम लोग इसके जो डोर्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको जो मैनुअल आपका जो विंडो डाउन करने के लिए है वो आपको मिल जाता है, ये आपका डोर खोलने के लिए हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं जो अपनी लाइट डेंसिटी आपको एडजस्ट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके एसी वेंट्स हो गए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं जो मेन मीटर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका ये किलोमीटर्स आपका जो स्पीडोमीटर है वो मिल जाता है, नॉर्मल छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है आपको, अपना जो फ्यूल गेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, बाकी जो नॉर्मल इंडिकेशंस हो गए वो जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले में आपको जैसे फ्यूल का इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और किलोमीटर जो ट्रैवल्ड है वो आपको नीचे मिल जाता है।
दोस्तों केबिन तो इसका दोस्तों काफ़ी एरी है, अच्छी खासी आपको एरी स्पेस पूरी मिलती है केबिन के अंदर। दो टोन में पूरा आपको जो इसका इंटीरियर है वो मिल जाता है, पूरा ब्लैक और बेज का भी इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया है, तो इससे थोड़ी सी एयर आप बोल सकते हैं इंटीरियर में बढ़ गई है, थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि आपको अच्छी स्पेस लगेगी जब आप अंदर बैठोगे इसमें। दोस्तों अगर इसके टॉगल्स की बात करते हैं तो आपके ये वाइपर के टॉगल हो गए, ये आपके जो इंडिकेटर और लाइट के टॉगल आपको इधर मिल जाते हैं, ये आपका नॉर्मल स्टीयरिंग दोस्तों इसमें मिलता है, आपको सिर्फ हॉर्न मिलता है इसमें। आप देख सकते हैं कॉस्ट कटिंग कंपनी कैसे करती है, आपको एक अच्छी गाड़ी देने की कोशिश करती है, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो तक नहीं मिलता है, तो ये भी एक बोल सकते हैं कॉस्ट कम करने की कोशिश होती है कंपनी की कि कम से कम कीमत में आपको अच्छी गाड़ी मिल सके। तो एक अच्छी चीज़ है मुझे ये कि ब्रांडिंग तो उन्होंने बाहर कर दी है, अंदर वैसे भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, आदमी को पता है कि हम सुजुकी की गाड़ी में, मारुति सुजुकी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपका लोगो जैसे जनरली स्टीयरिंग के ऊपर आपको लोगो मिल जाता है वो आपको इसमें नहीं मिलता है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, तरीके से अच्छी चीज है कि कंपनी जहां जहां पे कॉस्ट काट सकती है कि कस्टमर को एक एफिशिएंट एक सस्ती गाड़ी मिल जाए उसका काम चले, तो ये एक अच्छी चीज है। अब दोस्तों चलते हैं इसका जो मिडिल कंसोल है वो देख लेते हैं, उससे पहले आपको एक मैं पूरा वर्टिकल लुक दे देता हूँ पूरे इसके मिडिल कंसोल का, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं तो पूरा बेज कलर पे दिया गया है, ये आपके एसी वेंट्स हो गए दो, ये आपका एसी कंट्रोल नीचे मिल जाते हैं, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एयर फ्लो हो गया, फैन स्पीड हो गई, हॉट कूल हो गया वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लगवा सकते हो, इसमें आपको लगा नहीं मिलता है, तो इसमें आप नॉर्मल कोई भी अपना जो पसंदीदा इंफोटेनमेंट सिस्टम है आप लगवा सकते हो, अपनी आप जेब के अनुसार आप लगवा सकते हो, जैसे भी आपकी अर्निंग है आप जैसा लगवाना चाहते हैं, महंगा सस्ता आप लगवा सकते हो, आपको वैसी साउंड मिल जाएगी। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो आपको जो सॉकेट है वो मिल जाता है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा एडिशन है ये। चलते हैं इसके को पैसेंजर की तरफ, तो यहाँ पे आप देखते हैं ठीक ठाक स्पेस आपको थोड़ी सी दी गई है ऊपर सामान वगैरह डालने के लिए, जो इसका ग्लव बॉक्स है वो भी आपको चौड़ा मिल जाता है, तो इसमें आपका ठीक ठाक सामान आ जाएगा, अच्छा सामान आ जाएगा, जर्नी लोग तो इसको पेपर वर्क कैरी करने के लिए रखते हैं। दूसरी साइड अब यहाँ पे देखते हैं अगर तो आपको वैसे ही आपके जो विंडो डाउन करने के लिए मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे आपको पॉकेट्स नहीं मिलती हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए, पूरा प्लेन आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग कंपनियां करने की जो कोशिश करती हैं तो एक अच्छी कोशिश है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली होता है लोग केवल बॉटल्स डालते हैं, तो आप पीछे भी डाल सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इसका गियर देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो गियर है दोस्तों ये है आपका 5-speed गियरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स है, तो काफ़ी छोटा गियर दिया गया है, काफ़ी रीच इसकी बढ़िया है, आपको बैठने जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पे आप देखते हो तो ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, नॉर्मल हैंड ब्रेक है, पूरा फुल ब्लैक पे दिया गया है। सीटिंग की बात कर लेते हैं तो जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो कुशनिंग तो ठीक दी गई है और ठीक ठाक आपको कुशनिंग मिल जाएगी, बैक सपोर्ट भी ठीक है, काफ़ी चौड़ा है, अच्छा है, तो सीट्स की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको इसमें। तो दोस्तों ये था इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड था वो मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों पीछे वाली सीट में, पीछे वाली सीट से बैठ के आपसे मैं बात करूंगा कि आपको इसमें क्या क्या पीछे बैठने में कैसा लगता है, क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए, वो सब आपको जानने को मिलेगा, तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, तो ये मैंने खोल दिया है, आप इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हो, तो काफ़ी आपको एक चौड़ी एंट्री मिल जाती है अंदर, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो अब चलते हैं दोस्तों अंदर हम लोग गाड़ी के, और यहाँ से मैं बैठ के आपसे बात करता हूँ, फिर इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम ईको के पीछे से आपसे बात कर रहे हैं, और ईको आप जो पूरा एक इसका डैशबोर्ड है वो आप लुक ले सकते हैं पूरा इसका, तो बहुत ही एक बोल सकते हैं नॉर्मल डिज़ाइन है, रेंज के अकॉर्डिंग आपको जो कुछ भी मिलना चाहिए लगभग वो मिल जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हाँ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी की तरफ से मिल जाए या ऐसा कुछ हो, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन उसको आप अलग से लगवा सकते हो। पीछे लेगरूम की कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं काफ़ी ऊंची गाड़ी है ईको, तो आपको हेडरूम बहुत बढ़िया मिलता है। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 6 feet है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है पीछे बैठने में, जैसे कि आगे था वैसे ही आपको यहाँ पर विंडो अप डाउन करने के लिए जो अपनी बटन्स हैं, सॉरी बटन्स नहीं मैनुअल है, वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको इधर भी मिल जाता है आपका जो विंडो अप डाउन करने के लिए जो मैनुअल है वो मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल जिस पर्पस के लिए गाड़ी बनाई गई है तो वैसे ही पूरी कंपनी ने इसको एक लुक देने की कोशिश की है, तो कोई इसको आप बुरा नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये गाड़ी पसंद करते हैं, आपको एक सस्ती गाड़ी चाहिए और एक यूज़ेबल गाड़ी चाहिए, मारुति की गाड़ी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो और आपको बहुत ही यूज़ेबल रहेगी गाड़ी है। मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी बहुत बढ़िया रहती है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, स्कूल की वैन में आप इसको लगा सकते हो, टैक्सी की तरह यूज़ कर सकते हो, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी चाहते हो तो उसका भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बड़ी फैमिली है तो बढ़िया है, आप पीछे इसमें आराम से अगर आप चाहते हैं तो अलग से आप इसमें शायद सीट्स भी लगवा सकते हैं आप किसी एक्सेसरी वाले के पास जाके, तो आप अगर वो चाहते हैं वो भी
भी ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सीट लग जानी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों अब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको इस गाड़ी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर के पेजेस के लिंक, वहाँ जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो, मैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूंगा और वीडियोस आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।